भाजपा प्रत्याशी प्रोफेसर एसपीसी बघेल के संसदीय क्षेत्र के आमलखेड़ा में भारत सरकार के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रोफेसर एसपीसी बघेल के वोट भी मांगे, केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धि को गिनाया और विरोधियों पर निशाना साधा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछली बार राम प्रताप सिंह चौहान के लिए आया था, आपने जिताकर भेजा, अब एसपी सिंह बघेल के लिए आया हूँ जिताकर भेजना। देश में मोदी की लहर चल रही है, देश की जनता मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री के रूप में समर्थन देने का मन बना रह चुकी है, इससे विरोधियों की घबराहट स्पष्ट से रूप से दिखाई दे रही है। सभी एक दूसरे के साथ मिल गए हैं और ठगबंधन करके जनता को मूर्ख बनाने निकल पड़े हैं, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। जनता सब जानती है किसको वोट देना है और कांग्रेस सपा रालोद बसपा इस बार मोदी की आंधी में तिनके की तरह उड़ जाएंगे, क्योंकि परिवर्तन का दौर चल रहा है। मैंने कहा कि एक व्यक्ति हमारी नजर में है, मैं जानता हूं कि वह देश की जनता का विश्वास हासिल करने में पूरी तरह से कामयाब होगा और उस समय उनके नाम की मैंने घोषणा की थी। मुझे फख्र है, माननीय राजनाथ सिंह जी, और वही माननीय राजनाथ सिंह जी देश की जनता का भरोसा और विश्वास जीतने में पूरी तरह से कामयाब हुए। 5 वर्षों के उनके कार्यकाल को उठाकर कोई देखे तो मैं कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, यह उनका करिश्माई कार्यकाल है। जिस भारत के बारे में सारी दुनिया में यह धारणा थी, भारत गरीबों का देश है, भारत यह कमजोर भारत है, आज सारी दुनिया में उस भारत के बारे में लोगों की धारणा बदल गई है, विचार बदल गए। अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक साख है, मान्यता है, आर्थिक मुद्दों पर विचार व्यक्त करने के लिए फैसला लेने के लिए दुनिया के लोग आश्चर्यचकित हैं। आज तक दुनिया में कभी नहीं हुआ कि एक साल के अंदर 34 करोड़ लोगों के नए खाते बैंकों में खुल जाए। यह काम कर दिया, उस समय लोग सोच नहीं पा रहे कि बैंक खाते क्यों खुल रहे, तरह तरह के लोग तर्क देते थे, लेकिन आज मैं एक ही मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूं। पहले आपको विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, बच्चों की स्कॉलरशिप, सब्सिडी, अन्य दूसरी सहायता की धनराशियां जो मिला करती थी, दिव्यांग पेंशन, बहनों भाइयों, यह सब सारी चीजें जो मिलती थी वह बिचौलियों के माध्यम से लोगों के पास आधी अधूरी पहुंचती थी। लेकिन जब से बैंकों के खाते खुल गए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम लागू कर दिया, दिल्ली के बैंकों से पैसा निकलता है और आपके गांव के बगल का जो बैंक है और जिसमें आपका खाता है, पूरा का पूरा पैसा आपके बैंक के खाते में पहुंच जाता है बहनों भाइयों, इसलिए उन्होंने बैंक का खाता खोला। और अभी एसपी सिंह बघेल अभी चर्चा कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी का यह गठबंधन बहुत ही बेमेल है। बहनों भाइयों, आप ज्यादा जानते हो और ये कह रहे थे कि आगे इन लोगों की सरकार बनेगी तो चलेगी कैसे, लेकिन हमारे दिमाग में यह सवाल खड़ा होता है कि सरकार बनेगी कैसे। जो भी बहुजन समाज पार्टी के पास गया उसका क्या हस्त्र होता है, दूसरों से मत पूछो, हमसे पूछो। बहनों भाइयों, जब मैं यहां का मुख्यमंत्री था तो 2002 में उसके बाद जब आप लोगों ने बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की मिली जुली सरकार जब यहाँ बनी थी, उत्तर प्रदेश की जनता नहीं चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की मिली जुली सरकार बने, फिर भी लोगों ने बना दिया और बहुजन समाज पार्टी के साथ सरकार बनाने का खामियाजा हम लोगों को क्या कैसे भुगतना पड़ा है यह बताने की जरूरत नहीं। 15 वर्षों तक आप भारतीय जनता पार्टी को तो बिल्कुल घिरते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आपने सत्ता में नहीं आने दिया। और मैं कहना चाहता हूं यही हस्त्र समाजवादी पार्टी का भी होना है, 15 वर्षों तक से वो सत्ता के बारे में सोच भी नहीं सकता। दोनों राजनीतिक पार्टियों को इस बात की चिंता थी, सपा और बसपा, इस मोदी की आंधी में हम तिनके की तरह उड़ जाएंगे, इसलिए उन्होंने समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी दोनों ने मिलकर गठबंधन बनकर बनाने का फैसला किया है।
जनता उसी राजनीतिक पार्टी को और उसी गठबंधन को अपना वोट देती है, समर्थन देती है, जिसके प्रति जनता का विश्वास हो, जिसके प्रति जनता का भरोसा हो। दोनों राजनीतिक पार्टियों पर से प्रदेश की जनता का भरोसा और विश्वास उठ चुका है। मैं आऊंगा और आऊंगा बहनों भाइयों, तो इसलिए आऊंगा कि बघेल जी को आपने जिताया है, शीश झुकाकर फिर से आभार व्यक्त करने के लिए आप लोगों के बीच में। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा यूट्यूब चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।